रायपुर ले ये बेरा एक बड़े खबर मिला थे, जूनियर डॉक्टर मन के हड़ताल खत्म हो गए। मानदेय बाढ़े के बाद ये मन फैसला ले हैं, मरीज मन ला सल्लक परेशानी होत रही, अब जूनियर डॉक्टर अपन सेवा फिर शुरू करें। सीएम भूपेश बघेल ट्वीट करें और मानदेय बढ़ाए कि वो मन जानकारी दे रही, जेकर बाद अब जूनियर डॉक्टर मन अपन हड़ताल करे के ऐलान कर दे। तो ये बेरा के बड़े खबर आप मन तक पहुंचाता। बिल्कुल, और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमर सहयोगी राजेश राज हमर करा फोन लाइन में जुड़ा थे। राजेश, ये वो लोगन पर बड़े खबर है जो इलाज पर अस्पताल पहुंचा थे, फिर इलाज नहीं मिल पातरी से दर दर भटके पर मजबूर हो गए, इसे हड़ताल खत्म करे के ऐलान कर दे, कबले ये मन काम वाला उठी, कबले लोगन राहत मिल पाही? देखिए, हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है जूडो ने, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आज शाम से ही काम पर लौट जाएंगे, यानी तत्काल ये काम पर लौट रहे हैं। और इसके साथ जो उन लोग जो प्रदेश के दूर दराज इलाकों से आते थे इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में, उनके लिए काफी बड़ी राहत है, क्योंकि 5 दिनों में हमने देखा काफी मुश्किलें हो रही थी। खास करके अगर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकारा की बात करें, यहाँ से दूर दूर से लोग आते थे और सभी को निराश होकर के लौटना पड़ता था। कंसल्टेंसी तो उनको मिल जाती थी, लेकिन अगर एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, या फिर दूसरे रिपोर्ट हो, पैथोलॉजी टेस्ट की बात हो, या फिर आईपीडी मरीज जो भर्ती मरीज होते थे, उनकी देखरेख का जिम्मा भी जूडो के डॉक्टर के ऊपर ही होता था, ये तमाम कामकाज प्रभावित हो रहे थे। आज दोपहर में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि इन तमाम जो जूनियर डॉक्टर थे इनके स्टाइपेंड बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि 3 मांगे थी, दोपहर में ही मुख्यमंत्री की घोषणा सामने आ गई थी, लेकिन इनको 4 से 5 घंटे लग गए इस पे विचार करने में कि हड़ताल खत्म करनी है या नहीं, क्योंकि जो 2 मांगे थी वो काफी बड़ी थी और काफी इंपैक्ट करने वाली थी। लेकिन अंततः जूडा ने ये तय किया कि उन्हें हड़ताल से वापस आना है, और उन्होंने कहा कि हड़ताल से वो न सिर्फ वापस लौट रहे हैं बल्कि आज शाम से ही सभी अपने अपने कामों पर लौट जाएंगे। तो ये काफी बड़ी राहत है प्रदेश। बिल्कुल राजेश, से राहत की खबर है। दूसर, कितना यमन के मानदेय बढ़ाया गया जूनियर डॉक्टर मन ले, आप मन के गोट बात हो पा इसका, वो मन का जो मानदेय बढ़ाया गया ओकर ले वो मन पूरा संतुष्ट है, का कहते हो मन? अब देखिए, मानदेय जो बढ़ाया गया उससे वो संतुष्ट है, क्योंकि जो पीजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, उनके बीच में जो करीब 15 से 20 हजार रुपए का की बढ़ोतरी हुई है। अब जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनको 74 हजार मिलेगा, जो सेकेंड ईयर के पीजी स्टूडेंट है उनको 71,000 से ज्यादा मिलेंगे, और जो पीजी फर्स्ट ईयर के हैं उनको 67,000 से ज्यादा मिलेंगे। जो MBBS इंटर्न है उनको भी करीब 16 हजार रुपए मिलेंगे। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है वो लगभग मध्य प्रदेश के पीजी स्टूडेंट के हो गई है और वो इससे संतुष्ट भी है। लेकिन जो 2 बड़ी मांगे थी उसको लेकर के वो असमंजस में थे। आप ये समझिए कि पीजी स्टूडेंट थर्ड ईयर के अभी स्टाइपेंड बढ़ा वो 74,000 को मिलेगा, लेकिन जब ये पढ़ करके दो साल की सर्विस पे जाएंगे तो एज ए SR इन्हें सिर्फ 55,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। यानी जब ये स्टूडेंट है तो ज्यादा मिलेगा, नौकरी करेंगे तो कम मिलेगा। इसी पे ये अटके हुए थे और चाह रहे थे कि सरकार से कोई बातचीत हो जाए, लेकिन फिलहाल इन्होंने हड़ताल स्थगित कर दी। बिल्कुल, तो ये राहत है सल्लक जो ने स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होते रही, फिर एक बड़े राहत ये मन के हड़ताल खत्म करे ले। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर।